Hey guys, welcome to the 11th lecture of the chapter Biological Classification. I am Harish Kumar और इस लेक्चर में हम प्रोटिस्टा के चौथे मेंबर जो कि स्लाइम मोल्ड्स है के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा में हमने ऑलरेडी क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स, ये जो तीन मेंबर है प्रोटिस्टा के, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया. तो इस लेक्चर में चलो स्लाइम मोल्ड्स के साथ डील करते हैं. ओके, अब देखो हमारा जो स्लाइम मोल्ड्स होता है ना, जो हमारा प्रोटिस्टा का चौथा मेंबर है स्लाइम मोल्ड्स, इनमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है. सेल वॉल आर एब्सेंट इन स्लाइम मोल्ड्स. ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, यानी कि न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं स्लाइम मोल्ड्स, सैप्रोफाइटिक वे से. सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन स्लाइम मोल्ड्स. और सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इट इज अ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यानी कि स्लाइम मोल्ड खुद से अपना न्यूट्रिशन नहीं बनाते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फॉर न्यूट्रिशन. और जो मेथड है हेटेरोट्रॉपिक के अंदर, वह है सैप्रोफाइटिक. क्या करते हैं बेसिकली, देखो ये हमारा डिकेइंग ट्विग्स है. ट्विग्स क्या होता है, छोटे छोटी डहनियाँ जो होते हैं ना पेड़ के, जो टूट के नीचे गिर जाते हैं जमीन पे, उसे हम कहते हैं ट्विग्स, छोटी छोटी डहनियाँ. और डिकेइंग फॉलन लीव्स, और जो पत्ते झड़ के पेड़ पर से नीचे गिर जाते हैं जमीन पे, तो उन्हें हम कहते हैं फॉलन लीव्स. डिकेइंग माने सर रहे ट्विग्स, और या फिर सर रहे फॉलन लीव्स के ऊपर क्या करते हैं स्लाइम मोल्ड्स फीड करते हैं. कैसे, देखो ये येलो कलर का मैंने एक लेयर बना दिया है. तो क्या होता है बेसिकली, स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, स्प्रेड करते हैं, फैलने लग जाते हैं इन डिकेइंग ट्विग्स पे और डिकेइंग फॉलन लीव्स पे. एक साथ बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठे होके क्या करते हैं वहाँ, और वो जो फॉलन ट्विग्स है और या जो फॉलन लीव्स है, उससे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करते हैं. ओके, और इसीलिए सैप्रोफाइटिक कहा गया. माने सैप्रोफाइटिक मतलब डिकम्पोज करते हैं बेसिकली. जैसे ये देखो, ये हमारा मान लो पत्ता है, लीफ है. ओके, लीफ है, और यहाँ पे आया हमारा स्लाइम मोल्ड. अब ये स्लाइम मोल्ड क्या करेगा, ये यहाँ पे ऐसे बहुत सारे केमिकल को यहाँ पे स्प्रेड करेगा. ठीक है, बहुत सारे केमिकल को, रुको थोड़ा बड़ा बनाने दो. ओके, मान लो ये हमारा पत्ता है. ओके, ये आया स्लाइम मोल्ड. ठीक है, ये क्या करेगा, बहुत सारा छोटे 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 एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा. सिक्रीट करने के बाद क्या करेगा, इस लीफ का डाइजेशन करेगा. डाइजेशन करने के बाद देखो, पहले क्या हुआ, फर्स्ट डाइजेशन हुआ. ठीक है, और फिर इस लीफ को क्या करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद सराउंडिंग में जब डाइजेस्ट हो गया तो इसको इनटेक करेगा, यानी कि फिर इंजेशन करेगा. इनटेक किया यानी कि पहले डाइजेशन किया फिर इंजेशन किया, पहले पचाया फिर खाया. तो क्या किया, डिकम्पोज किया बेसिकली, पचा दिया, डिकम्पोज कर दिया किसको, डिकेइंग फॉलन लीव्स को या फिर ट्विग्स को. ठीक है, तो इसीलिए सैप्रोफाइटिक कहा गया, पहले पचाते हैं फिर खाते हैं. और सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का दूसरा नाम है ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑस्मोट्रॉफिक क्यों, क्योंकि जब ये इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, इंजेस्ट करते हैं, तब ऑस्मोसिस प्रोसेस से जिस खाने को पचाए हैं एंजाइम डाल के, उस खाने को जब इनटेक करते हैं तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से इनटेक करते हैं. तो इसीलिए ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जो कि एक तरह का हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. यानी कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है न्यूट्रिशन के लिए. एक स्लाइम मोल्ड हमारा ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट के पत्तों पे या प्लांट के डहनियों पे डिपेंड कर रहा है न्यूट्रिशन के लिए. ओके, अब देखो, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म्स एन एग्रीगेशन. जब फेवरेबल कंडीशन आता है ना, तो हमारा जो स्लाइम मोल्ड है ये क्या करता है, एग्रीगेट करना स्टार्ट कर देता है. बहुत सारे स्लाइम मोल्ड आके चिपकते हैं एक साथ, ठीक है, और क्या करते हैं, कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं. एग्रीगेशन को तुम कॉलोनी भी कह सकते हो. फॉर्म्स अ कॉलोनी जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम क्या है बेसिकली, क्या है, जब बहुत सारे स्लाइम मोल्ड फेवरेबल कंडीशन पे, जब अच्छा कंडीशन है, अच्छे तरीके से रह रहे, जी रहे, ग्रो कर रहे, सर्वाइव कर रहे, तो उस समय बहुत सारे स्लाइम मोल्ड आके एक साथ इकट्ठे होंगे, ठीक है, और एग्रीगेशन कॉलोनी फॉर्म करेंगे. उस कॉलोनी, उस एग्रीगेशन को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम. अब ये जो प्लाज्मोडियम है, इट कैन ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट तक ग्रो कर जाता है. जैसे यहाँ देखो, ये तो एक छोटा सा मैंने लेयर बनाया है, ठीक है, स्लाइम मोल्ड का, जो कि ग्रो कर रहे हैं और स्प्रेड कर रहे हैं डिकेइंग ट्विग्स या फिर लीफ के ऊपर. लेकिन जब बहुत ही अच्छा फेवरेबल कंडीशन आएगा ना, तो क्या होगा, यही लेयर देखो ग्रो कर जाएगा, ठीक है, कॉलोनी फॉर्म करेगा, स्लाइम मोल्ड नंबर में और इंक्रीज हो जाएंगे, ग्रो करेंगे, स्प्रेड होंगे ओवर सेवरल फीट्स.
और इसी को हम कहते हैं, इसी एग्रीगेशन को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ओके, ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। बट अब देखो फेवरेबल कंडीशन है तो कभी ना कभी अनफेवरेबल कंडीशन भी आएगा, राइट? तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो होते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं खुद को, किस चीज में? स्पोर में। स्पोर फॉर्मेशन होता है प्लाज्मोडियम में। देखो अब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा? एज पे आएगा, टिप पे आएगा, राइट? तो क्या होता है, ये जो प्लाज्मोडियम के एज पे जितने भी स्लाइम मोल्स प्रेजेंट है ना, ये सब क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। क्या होगा इन सारे स्लाइम मोल्स में? क्या होगा? स्पोर का फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन। और ये फ्रूटिंग बॉडी या स्पॉन्जियम क्या है? स्पोरेंजियम, इसके बारे में मैं अभी बोलूंगा। बट अभी यहाँ देखो, ये हमारा प्लाज्मोडियम है, कॉलोनी है, ठीक है? अब यहाँ पे आया है अनफेवरेबल कंडीशन। तो मान लो मैं एक यहाँ से स्लाइम मोल्ड को पकड़ता हूँ, ठीक है? अब ये स्लाइम मोल्ड क्या करेगा? डिफ्रेंशिएट करेगा। जैसे ये हमारा, मान लो ये मैंने यहाँ पे ये एक स्लाइम मोल्ड को पकड़ा, ठीक है? प्लाज्मोडियम क्या है? बेसिकली बहुत सारे स्लाइम मोल्ड एक साथ इकट्ठे हैं, ठीक है? तो इस प्लाज्मोडियम में मैंने एक स्लाइम मोल्ड को पकड़ा, ठीक है? और इस स्लाइम मोल्ड में क्या होगा? ये हमारा न्यूक्लियस है, क्या होगा? बेसिकली एक आउटग्रोथ होगा, ठीक है? आउटग्रोथ होगा, ये आउटग्रोथ हुआ और यहाँ पे एक स्वेलिंग हुआ, स्वेलिंग होगा। और यहाँ जो हमारा न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस ट्रैवल करेगा उस आउटग्रोथ के स्वेलिंग में, तो यहाँ से न्यूक्लियस चला जाएगा इधर पे, ठीक है? और फिर इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन के में क्या होगा, देखो ये जो हमारा न्यूक्लियस था, अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा, और भी ज्यादा न्यूक्लियस में डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस हमारा क्या हो रहा है? डिवाइड कर रहा है, ओके? कैसे? और इस प्रोसेस को हम कहते हैं FND, यानी कि फ्री न्यूक्लियस डिवीजन। फ्री न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस जो होता है धराधर डिवाइड किए जा रहा है, कैरियोकाइनेसिस धराधर होए जा रहा है, ठीक है? तो ये देखो ये चीज कब हो रहा है, ये चीज स्लाइम मोल्ड के अंदर हो रहा है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन है। और ये बस एक ही स्लाइम मोल्ड पे नहीं, यहाँ पे एज पे, टिप पे जितने भी स्लाइम मोल्ड है ना, ये जो प्लाज्मोडियम क्या है, तो कॉलोनी है स्लाइम मोल्ड का, तो इन सारे स्लाइम मोल्ड में क्या होने लगता है? अब स्पोर फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है? स्पोर फॉर्मेशन होने लगता है। ये जो मैंने प्रोसेस बस एक स्लाइम मोल्ड में तुम्हें दिखाया ना, ये यहाँ पे सारे स्लाइम मोल्ड में हो रहा है। अब क्या होता है देखो, अब ये देखो यहाँ पे क्या होता है, ये तो न्यूक्लियस बना, अब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे बनाता हूँ रुको, धीरे धीरे ये जितने भी मैंने बनाए हैं यहाँ पे न्यूक्लियस, कितना हो गया, 4, 5, 6, इन न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है, अब साइटोप्लाज्म इकट्ठा होने लग जाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है? न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म बनने लग गया, इस प्रोसेस को कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन, मेंटलाइजेशन, ये सब मैंने पढ़ाया है पहले ही, ठीक है? प्रोटिस्टा वाले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी ये चीज पढ़ा के रखा है। ऊपर देखो कहीं पे तुम्हें दिख रहा होगा लेक्चर का नाम या लिंक विंक, उस पर क्लिक करके तुम एक बार और डिटेल में जान सकते हो। मैं बस यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ ताकि तुम्हारा आइडिया जो है दिमाग में क्लियर हो जाए, ठीक है, क्या हो रहा है बेसिकली। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ, ऑलराइट, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है? अब क्या होता है, देखो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, ये जब हमारा सेल है ना, ये जो सेल है, ये जो सेल जिसके अंदर सब कुछ हो रहा था, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन, कंपार्टमेंटलाइजेशन, इसको कहते हैं मदर सेल। और इसका एक और नाम है स्पोरेंजियम या फिर फ्रूटिंग बॉडी। और इसके अंदर हमारे ये देखो छोटे 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 बहुत सारे स्पोर बन रहे हैं, राइट? बहुत सारे स्पोर बन रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ मैंने लिखा है स्पोर फॉर्मेशन इन फ्रूटिंग बॉडीज और स्पोरेंजियम। तो स्पोर फॉर्मेशन किस में हो रहा है? मदर सेल में। मदर सेल का नाम क्या है? एक और नाम है स्पोरेंजियम या फ्रूटिंग बॉडी। अब क्या होता है, हमारा ये जो मदर सेल है ये बर्स्ट करता है, एक मिनट जूम करने दो, अच्छे समझ में आएगा। ये देखो ये हमारा क्या था, मदर सेल है जिसको स्पोरेंजियम भी कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। अब क्या हुआ, ये फटता है, बर्स्ट करता है और जितने भी स्पोर होते हैं वो सारे के सारे इन्वायरमेंट या सराउंडिंग में आ जाते हैं। और इन सारे स्पोर में देखो ट्रू वॉल प्रेजेंट है, ट्रू वॉल यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट है, बेसिकली सेल वॉल, ठीक है? सेल वॉल, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्पोर्स हैव सेल वॉल, ऑलराइट? ये जो मदर सेल जब बर्स्ट हुआ, फटा, तो उसमें से सारे स्पोर इन्वायरमेंट में आ गए और इन सारे स्पोर के पास क्या है, ट्रू वॉल यानी कि सेल वॉल है। अब क्या होता है, ये सब कुछ किस में हो रहा है, सब स्लाइम मोल्ड में हो रहा है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ध्यान में रखना, ओके? तो अब क्या हुआ, स्पोर बना, स्पोर्स हैव सेल वॉल, ये जो स्पोर्स होते हैं आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, हवा जब तेज चलता है तो हवा के साथ ही, तो छोटे छोटे स्पोर होते हैं सब हवा के साथ बह जाते हैं, ठीक है? डिस्पर्स हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, ठीक है?
तो स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स. ईच स्पोर आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन. अब देखो बेसिकली ये जो हमारा प्लाज्मोडियम था यानी कि ये जो सारे स्लाइम मोल्ड थे ये बेसिकली स्पोर फॉर्म क्यों किए ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. तो इसका मतलब क्या, इन स्पोर के अंदर इतना तो ताकत हो गए कि ये रेजिस्टेंट हो और सर्वाइव कर ले अगेंस्ट एडवर्स कंडीशन, अगेंस्ट अनफेवरेबल कंडीशन. इसीलिए तो स्पोर बना, क्योंकि स्पोर जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, आराम से सर्वाइव कर लेते हैं इन अनफेवरेबल कंडीशन. ओके, फिर क्या होता है, अब बहुत साल बाद ईच स्पोर विल फॉर्म न्यू स्लाइम मोल्ड इन फेवरेबल कंडीशन. अब ये जो स्पोर है ना ये रेजिस्टेंट और सर्वाइव कर लेते हैं इन अनफेवरेबल कंडीशन सालों तक, 4-5 साल तक, 6-7 साल तक स्पोर जो है वो सर्वाइव कर रहा होता है. लेकिन जैसे ही फिर फेवरेबल कंडीशन आता है, कभी ना कभी तो वापस फेवरेबल कंडीशन आएगा ना, तो ये जो छोटे छोटे स्पोर होते हैं ना ये स्लाइम मोल्ड, बड़े जो एडल्ट स्लाइम मोल्ड में फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर से एडल्ट स्लाइम मोल्ड बन जाते हैं. जितने भी स्पोर थे वो फेवरेबल कंडीशन में क्या होंगे, वापस से स्लाइम मोल्ड बन जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में हमारा जो स्लाइम मोल्ड था, प्लाज्मोडियम क्या है बेसिकली बहुत सारे स्लाइम मोल्ड आपस में इकट्ठे हुए हुए, तो हमारा स्लाइम मोल्ड था वो स्पोर क्यों फॉर्म कर रहा था, सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, अपना सर्वाइवल का चांस बढ़ाने के लिए, सर्वाइवल चांस को इंक्रीज करने के लिए. प्लस इसके साथ साथ तुम एक और चीज़ नोटिस करोगे कि स्लाइम मोल्ड ने रिप्रोडक्शन भी कर लिया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लिया. कैसे, एक हमारा देखो एक स्लाइम मोल्ड था, अब देखो क्या हुआ इसमें ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या हुआ, स्पोर फॉर्मेशन हुआ, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ. कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब क्या, न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म अक्यूमुलेट हुआ. फिर उसके बाद देखो स्पोर बना, स्पोर क्या हुआ, अब मदर सेल बर्स्ट हुआ, स्पोर जो थे वो हवा में इधर उधर फैले और फेवरेबल कंडीशन में हर स्पोर से एक नया स्लाइम मोल्ड बन गया. ईच स्पोर विल फॉर्म अ स्लाइम मोल्ड इन फेवरेबल कंडीशन. तो देखो रिप्रोडक्शन भी हो गया, एक तो सर्वाइव भी कर लिया स्लाइम मोल्ड और रिप्रोड्यूस भी कर लिया. तो मैं इसको रिप्रोडक्टिव स्टेट कह सकता हूँ, राइट, इसको रिप्रोडक्टिव स्टेट कह सकता हूँ, कुछ गलत थोड़ी होगा, राइट. तो अब तुम एक चीज़ देखो, रिप्रोडक्टिव स्टेट में क्या है, हमारा जो स्पोर है उसके पास सेल वॉल है, यानी कि स्लाइम मोल्ड के पास रिप्रोडक्टिव स्टेट में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है. बट मैंने क्या कहा था, सेल वॉल आर एब्सेंट इन स्लाइम मोल्ड. ये बात भी सही है, सेल वॉल जो होते हैं वो बेसिकली एब्सेंट होते हैं स्लाइम मोल्ड में. कब, जब स्लाइम मोल्ड वेजिटेटिव स्टेट में होता है. अब पूरा सेंटेंस पढ़ो, सेल वॉल आर एब्सेंट इन वेजिटेटिव स्टेट. जब स्लाइम मोल्ड ऐसी पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बस आराम से सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से खाना खा रहा है, फीड कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है और वेजिटेटिव स्टेट में है, तब स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल जो होगा वो एब्सेंट होगा. लेकिन जैसे ही रिप्रोडक्टिव स्टेट में पहुंचा हमारा स्लाइम मोल्ड और जब स्पोर बना, तो उस स्पोर में क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा. तो रिप्रोडक्टिव स्टेट में ध्यान रखना, स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट वेजिटेटिव स्टेट में स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल एब्सेंट होता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन. अब देखो तुम्हें यहाँ पे दो फिगर दिख रहा होगा, पहला ये, दूसरा ये. पहला जो फिगर है वो तुम्हें एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी बुक में मिल जाएगा, जो हमारा स्लाइम मोल्ड टॉपिक है उसके अंदर में. ठीक है, पहला फिगर है हमारा, ये जो डायग्राम है ये है असेल्युलर स्लाइम मोल्ड का, और दूसरा जो हमारा फिगर है, ये जो डायग्राम है ये है सेल्युलर स्लाइम मोल्ड का. अब अंतर क्या होता है असेल्युलर और सेल्युलर में, देखो सेल्युलर में सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ओके, बट असेल्युलर में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ये देखो जितने भी ब्लैक ब्लैक कलर के ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तुम्हें, सारे के सारे न्यूक्लियस है. तो असेल्युलर में मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सेलुलर में सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो ऐसे करके तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन असेलुलर एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड. अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, ये हमारा दोनों के दोनों जो स्लाइम मोल्ड है ये वेजिटेटिव स्टेट में है, तो सेल वॉल ऑब्वियसली एब्सेंट होगा. तो क्या यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, राइट, क्योंकि वेजिटेटिव स्टेट में हमने अभी अभी देखा स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिखा है. फिर तुम्हें ये एक लेयर दिख रहा होगा, ये लेयर है स्लाइम लेयर. ये क्या करता है, स्लाइम मोल्ड को स्टिकी बनाता है, स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है. इसी के कारण जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वो एक साथ इकट्ठे होके क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं प्लाज्मोडियम. कैसे एक साथ चिपकते हैं, क्योंकि जो हमारा असेलुलर या सेलुलर है, जो भी स्लाइम मोल्ड है, जो भी कॉलोनी बना रहा है, यानी दोनों के दोनों प्लाज्मोडियम बना सकते हैं, ओके, तो दोनों के दोनों
के अंदर ऐसा क्या होता है कि प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों दोनों के पास स्लाइम लेयर होता है, दोनों के पास स्टिकी नेचर होता है बिकॉज ऑफ दिस स्लाइम लेयर। इसीलिए आराम से ये सब क्या करते हैं, एक साथ चिपक चिपक के इकट्ठे हो के एग्रीगेट हो के कॉलोनी बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ओके, और सेलुलर स्लाइम मोल्ड का तुम एक एग्जाम्पल याद कर सकते हो जिसका नाम है फाइसेरम। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने स्लाइम मोल्ड जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मेंबर है प्रोटिस्टा का, वो कंप्लीट किया। ऑलराइट, तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एनाटॉलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे और ट्विटर पे, और तुम्हें यहाँ एनाटॉलॉजी का लोगो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करो और एनाटॉलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी एनाटॉलॉजी के वीडियोज़ देखने हैं तो यहाँ पे वॉच मोर पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।